नमस्कार, कार्यक्रम अवसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो युवा आईएएस ऑफिसर हैं, उनके करियर की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सीधी सीधी बात करना, जिसको आप कह सकते हैं कुछ हद तक कि काफ़ी हद तक भी कि खरी खरी बात कहना सुनना उनको पसंद है। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां जर्नलिज़्म की एक बड़ी सशक्त धारा बहती रही है, और मध्य प्रदेश ही नहीं देश के एक प्रोमिनेंट हिंदी डेली नई दुनिया, उससे उनके पिताश्री लीडिंग पोजीशन में जुड़े रहे, दिल्ली ब्यूरो में एडिटर की भूमिका वो निभाते रहे, और मध्य प्रदेश के भी मालवा अंचल के वो एक महत्वपूर्ण ज़िले से आती हैं जिसका सांस्कृतिक और खान पान की दृष्टि से एक अहम स्थान है। वो दिल्ली में रहीं, इकोनॉमिक्स का उनका बैकग्राउंड है और बड़ा ही मजबूत बैकग्राउंड है। कैम्ब्रिज एसोसिएट्स ग्रुप जो होता है उसके साथ भी उन्होंने काम किया है, और दिल्ली के एक लीडिंग अर्थशास्त्र से जुड़े इंस्टीट्यूशन से उनका साबका रहा है। 2014 बैच की वो आईएएस ऑफिसर हैं और अपने बैच में वो भारत में 77वीं रैंक लेकर उन्होंने इस सेवा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में अलग अलग कैपेसिटी में उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अपना प्रभाव छोड़ा है। तो मुलाकात करिए, आज मेरे साथ हैं रिजू बाफना, 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर। बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। रिजू जी, मैं पीछे ले चलता हूँ इस कार्यक्रम में, आप अपने जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं इस कार्यक्रम में, और हम टाइम मशीन जैसे किसी कॉन्सेप्ट की कल्पना करते हैं कि मैं आपको ले जा रहा हूँ जब आप 12th करके एक विजन में जा रही हैं कि मुझे आगे क्या करना है। तो अगर मैं आपको उस सिरा में ले जा रहा हूँ तो आप कैसे याद कर रही हैं कि उस दौर की रिजू क्या सोच रही थी, कैसे जीवन आगे बढ़ेगा, मेडिकल इंजीनियरिंग की अखिल भारतीय सेवा क्या सपना था? पहले तो इतना डिसाइडेड नहीं था कि इसी सेवा में जाना है, क्योंकि फादर जर्नलिज्म में थे, मदर मेरी डॉक्टर हैं, तो वो दोनों सेक्टर में मेरी खास रुचि रही नहीं, और इंजीनियरिंग भी एक तरह से इतना खास रुचि नहीं था, तो वो सेक्टर्स को एलिमिनेट करते करते ही मैं अर्थशास्त्र पर पहुंची थी। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फिर मास्टर्स मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। तो हमेशा से ये था कि जो जिसमें रुचि है वो पढ़ना है और वही कार्य करना है। कॉलेज में थोड़ा सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान बढ़ा, किसी सिविल सर्वेंट को एज सच, किसी कलेक्टर को कभी मेरी मुलाकात आज तक हुई नहीं थी। दिल्ली जैसे डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली जैसे मतलब स्टेट कैपिटल है, वहाँ पर उतना विजिबिलिटी एक इंस्टीट्यूशन ऑफ कलेक्टर की नहीं रहती है, तो उस तरह से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन कार्य की दृष्टि से देखा जाए, जब देखा कि कार्य क्या करते हैं सिविल सर्वेंट, तो उस वो एक कटिंग एज पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, कई कई स्कीम्स हैं जिसपे वो मेहनत कर कर कई तरह के रिजल्ट्स सकारात्मक लेकर आते हैं। तो उस दिशा में मेरा रुझान काफ़ी बढ़ा, और कॉलेज से फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और इसी की तैयारी करनी है। आपने काफ़ी अर्थशास्त्र में काफ़ी लीडिंग पोजीशंस में काम किया, बड़ा लिक्रेटिव वहाँ भी एक करियर होता है। कभी मन में दुविधा नहीं रही कि इस तरफ जाएं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच भी हैं अर्थशास्त्र से जुड़े हुए, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, और बड़ी लीडिंग कैपेसिटी में काम करने का मौका मिलता है? राइट राइट बहुत सारे, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज़ आती हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत लोग जाते हैं, काफ़ी मेरे सर्कल फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छी लीडिंग पोजीशन पे है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा उस कार्य में रुझान नहीं रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में अपना जो पूरा मूल समय होता है जो हम एक नौकरी पे देते हैं, मैं वह काम नहीं करना चाहती थी जिस पे मुझे सेटिस्फैक्शन ना मिले। तो मैं इतना मैंने ज़रूर थोड़ा बहुत कोशिश करी उसमें जाने की, इंटर्नशिप करी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन मन नहीं खुश हुआ, इसी कारण से मैंने उसको ज़्यादा फिर परस्यू भी नहीं किया। एक बड़ा दिलचस्प मैं देख रहा हूँ कि पापा जर्नलिज्म में रहे, माँ डॉक्टर रहीं,
दिल्ली में आप रहीं, इकोनॉमिक्स में आपने इतने लीडिंग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड के बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में, फिर भी अखिल भारतीय सेवा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है वो इन्फ्लुएंस करता है पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन से, जनरली मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, या फिर जिस स्ट्रीम को उसने चुना है, आपने इन तीनों से अलग एक अलग धारा चुनी? धारा ज़रूर अलग है, लेकिन काम के प्रति जो एक भाव है वो काफ़ी सिमिलर है। जैसे पापा बिल्कुल ग्राउंड वर्क पे काम करते थे, स्टोरीज़ कवर करने के लिए पूरे देश भर में घूमते थे, बहुत पॉलिसी लेवल का इंटरेक्शन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो हमेशा ही लाइवली डिस्कशंस घर में होते रहते थे कि क्या हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, लाइवलीहुड सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या क्या पॉलिसीज़ में क्या सुधार किया जा सकता है, तो इस तरह के डिस्कशंस हमें हमेशा हुआ करते थे। मदर का भी जो वर्क है वो मानवता की दृष्टि से बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है, तो जो खुशी माता के मदर के काम में है, एक सैटिस्फैक्शन है, और जब भी कहीं जाते थे तो बहुत एक रेवरेंस मम्मी को मिलता है, तो ऐसा ही लगता था कि कुछ ऐसा काम करें जो लोगों के ज़िंदगी को टच करे। तो दो सेक्टर अलग है, लेकिन बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके जवाब देने को, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, इसमें फादर के भी वर्क का एसेंस है और मदर के वर्क का भी एसेंस है। बिटिया हमेशा पापा से इन्फ्लुएंस होती हैं, आपके व्यक्तित्व में भी क्या ये बात रही कि जैसा आपने एक जिक्र किया उससे ये सवाल मेरे मन में आया कि घर में पापा के साथ काफ़ी पॉलिसी मैटर्स पे बड़ा अच्छा डिस्कशंस होते थे, और पिताजी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत इमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद बहुत आदर से उनको देखता हूं, और बहुत लीडिंग स्टोरीज उन्होंने जैसा हमें बताया है रिजू जी ने, कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से और पॉलिसी मैटर्स पे उनकी बड़ी गहरी स्टोरीज रही हैं, तो क्या आपके व्यक्तित्व में भी पापा काफ़ी? ये तो बिल्कुल सत्य है, पापा के साथ काफ़ी चर्चाएं होना, पापा के साथ बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, काम के प्रति भी उनसे सलाह लेना काफ़ी रहता है, दोनों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। पापा भी कई पढ़ाई के मामले में ले लें, कई सब्जेक्ट्स जैसे होते थे डिवाइडेड थे मेरा, मतलब क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो जी. सब कुछ डिवाइडेड था, मदर साइंस मैथ्स पढ़ाती थी, फादर बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, तो एक डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है अर्थशास्त्र में जी. उसी तरह से उनका भी था, लेकिन हाँ बिटिया थोड़ा किसी भी कारणवश पापा की तरफ साइडेड हो जाती हैं, लेकिन मदर हैज़ ऑल्सो बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन रही हैं, वो जितना डट के काम करी हैं, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन उन्होंने मेहनत कर बहुत अच्छे, रेलवे में वो डॉक्टर हैं, अभी रिटायर हुई हैं, तो वो बहुत मेहनत और लगन से वो करती थी काम, और मुझे भी देख रेख करती थी, तो उनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस क्षण को आप कैसे याद करती हैं जब आप पहली बार आपने अटेम्प्ट किया अखिल भारतीय सेवा के एग्ज़ाम्स को, उस क्षण आपको लगा कि यस बिल्कुल ठीक है, ये एग्ज़ाम भी मेरी योग्यता से मैं इसको आराम से निकाल सकती हूँ, या मैं बिल्कुल इसके लिए बनी हूँ, उस क्षण को कैसे याद करती हैं? UPSC की तरफ और ऑल इंडिया सर्विसेज की तरफ रुचि मेरी पूरी थी, लेकिन मैंने कई बार सोचा है इस बारे में कि ये इसमें लक भी बहुत एक एंगल रहता है, तो मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन लक भी मेरे साथ रहा, इसीलिए मुझे लगता है मैं क्लियर कर पाई एग्ज़ाम, वरना साथ साथ मैंने, क्योंकि मैं एक पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंसी में भी काम कर रही थी, तो वहाँ पे भी मैं पार्ट टाइम, पहले शुरू में फुल टाइम काम करती थी, फिर वहाँ पे पार्ट टाइम रखा हुआ था कि जस्ट इन केस अगर इफ़ आई डोंट मेक इट, बट थैंकफुली लक वाज ऑन माय साइड एंड आई कुड क्लियर इट, और बहुत बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि जो मैं काम करना चाहती थी उसका जो प्रथम द्वार है वो मैंने क्रॉस कर लिया था, तो उसके लिए काफ़ी आपके व्यक्तित्व को जितना हम समझते हैं, एक बहुत आप ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी कार्यशैली रखती हैं, और ज़ाहिर तौर पर उसके पीछे पिताजी को आपने जिस तरह देखा है, एक जर्नलिस्ट जिस तरह से आगे बढ़ता है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, उसके एटीट्यूड में मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अड़ियल होता है,
लेकिन वो कुछ चीज़ों को लेके बहुत साफ़ होना, बल्कि अधिकांश चीज़ों को लेके बहुत साफ होता है, क्योंकि स्टोरी में उसकी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। आपके व्यक्तित्व में भी हम ये चीज़ देखते हैं। कई बार इससे बड़ी चुनौतियाँ भी पैदा होती हैं, जैसे एक जर्नलिस्ट के सामने होती हैं। कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सिर्फ फैक्ट प्रेजेंटेशन किया है, या जो बात कहनी चाहिए वो बात कही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ा अपोजिशन हो गया इसको लेकर। ये चीज़ तो होती है, आपने भी फील किया कि कई बार इसकी वजह से चुनौतियाँ होती हैं, और उन क्षणों में क्या ये पापा मम्मी ही होते हैं और आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है जो आपके साथ खड़ी रहती है और आप ताकत से उसका जवाब दे पाती हैं? ऐसे कई क्षण आए हैं जिसमें आपका कोई डायरेक्ट रोल भी नहीं था, लेकिन क्योंकि हम पब्लिक फोरम में रहते हैं और लोगों के व्यूज भी बहुत जल्दी बनते हैं, कई बार बिना फैक्ट्स के ऊपर बनते हैं, बिल्कुल ठीक बात, तो वो बहुत चैलेंजिंग क्षण होता है, क्योंकि उसमें आप स्वयं को भी डाउट करना शुरू कर सकते हैं, करते हैं, तो लेकिन इसमें अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और फिर धीरे धीरे सर्विस में सीख जाते हैं कि सब चीज़ों को इतना सीरियसली लेना नहीं है। ठीक बात है, तो उससे उससे काम और आसान हो जाता है, और कई चीज़ें आप बिल्कुल ब्लैकआउट कर देते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है फिर। आपने बहुत सुंदर मंत्र दिया है, और मैं ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, आपके हमारे लिए सबके लिए रिजु जी का ये बहुत ऑनेस्ट मंत्रा है, और मंत्रा यही है कि ऐसे क्षण आते हैं जब आप खुद पर भी संदेह करने लगते हैं कई बार कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन ये इससे बिल्कुल नहीं, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मंत्रा सबसे बड़ा यही है कि ज़िंदगी में सबसे गंभीर कोई व्यक्ति है और उसका जीवन जो महत्वपूर्ण है वो स्वयं है, बाकी किसी को बहुत गंभीरता से इस रूप में लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को वो प्रभावित करे। आप मुझे ये बताइए कि जिस क्षण अखिल भारतीय सेवा में 77वीं रैंक और एक प्राउड मोमेंट और फिर उसके बाद पहली पोस्टिंग, वो क्षण कैसे मन में था कि जिसको दुनिया की छत पे हम कहते हैं फील होना, वो तो होता ही है जब भी हम अचीव करते हैं, लेकिन जब इस सेवा में आए और आपने देखा कि ताकत भी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, और फुल कोई आपका 24 घंटे 24/7 जो हम खबरिया चैनल्स के लिए कहा जाता, आप लोग भी कमोबेश उसी ज़िंदगी को जीते, कैसा क्षण रहा हो? मेरी पहली पोस्टिंग सिवनी में रही थी, जो ट्राइबल ज़िला है, और मेरे काफ़ी अच्छे कलेक्टर्स रहे थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि इतना आसान नहीं होता ट्रांजिशन। आप पहले एक सेटअप में रहते हैं, दिल्ली जैसी जगह पे मैं रही हूँ, वहीं पढ़ाई करी है, वहीं सब कुछ सोशल सर्कल रहा है, फिर एकदम से आप एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं जहाँ आपके आसपास आपने कभी किसी को जाना पहचाना नहीं है, तो एक ट्रांजिशन का एक चैलेंज रहता है। काम के प्रति आप एकदम सीखने के बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं और आपके अच्छे गाइड होते हैं, तो आप टारगेट कर पाते हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को जो सेक्टर में आपने सोचा था कि आप इसमें काम करेंगे, क्या क्या काम सीखेंगे, तो वो एक मार्गदर्शन भी बहुत मिलता है। तो फर्स्ट पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस तरह से कि आपको एक दृष्टिकोण सर्विस में मिल जाता है कि आप किस दिशा में काम करना चाहते हैं, और ज़िले की वर्किंग जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, आप एकदम नए होते हैं उस ज़िले में, तो सीखने का भी बहुत स्कोप रहता है, इतनी सारी चीज़ें जाननी पड़ती है। मेरा पहला परिचय कलेक्टर से अगर कोई हुआ था तो उस समय संजय गोयल सर थे, रतलाम के कलेक्टर थे, तो मैंने एग्ज़ाम क्लियर ही किया था, मैंने सोचा कि सर से जाके मिलती हूँ, दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रैक्शन। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ कलेक्टर को समझने में मुझे थोड़ा समय भी लगा था, कौन क्या रहता है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तो धीरे धीरे सीखा उसको और समझा, और वो जो इनिशियल जो बहुत कुछ एक इकट्ठा हो गया था वो आई थिंक वो आज भी मुझे गाइड करता है अपनी सर्विस जी। यह आपने बड़ी ईमानदारी से इस बात को भी स्वीकारा कि बात सही है कि एक महानगर से एक ऐसे ज़िले में जो ट्राइबल डोमिनेटेड है और परिस्थितियाँ भिन्न हैं, कहीं ना कहीं वो उसके साथ एक तालमेल बिठाने में समय लगता है। फिर भी कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो फील्ड है, दिल्ली याद आया हो, या फिर जो साथी अब्रॉड गए हों वो याद आए हों,
कि कितना चैलेंज है, कितनी यहाँ चुनौतियाँ हैं, हर तरह के कंपल्शंस हैं, सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर ठीक से उतारना है, लोअर रंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी उसके साथ समन्वित होनी चाहिए। मतलब चुनौतियों का मैं देखता हूँ, हम लोग कई बार ये सोचते ज़रूर हैं कि एक ब्यूरोक्रेट को बहुत सारी सहूलियतें या बहुत ताकत होती है उसके पास, लेकिन उसकी चुनौतियाँ उसके पीछे छिप जाती हैं जो हम देख नहीं पाते। मेरे पास कभी ऐसा सेल्फ डाउट नहीं आया कि ये नौकरी में सेकंड थॉट्स कभी मुझे नहीं आया। मैंने अपने आप को, स्वाभाविक है आप कंपेयर करते हैं अपने बैचमेट से जो कहीं अब्रॉड काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा एक बार भी डाउट नहीं आया, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फाई करता है। हो सकता है कि उनको वो खुश रखता हो। इट्स ऑल अबाउट, मतलब सेल्फ हैप्पीनेस के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। तो मुझे जिस तरह का हम कटिंग एज पे काम करते हैं, जिस तरह से हम डायरेक्ट रिजल्ट्स लाते हैं, मैं सतना में थी तो वाटर कंजर्वेशन में बहुत मज़े से काम किया, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा हम लोग इनिशिएटिव्स ले पाए थे। कई ऐसे इनिशिएटिव्स हम ग्राउंड लेवल पर ले पाते हैं और उसका रिजल्ट हमें दिखता है तो वो बहुत बहुत प्रसन्न करता है, और उसमें सेटिस्फैक्शन जो मिलता है काम के प्रति, आई थिंक इट इज़ अनपैरेलल्ड। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो अंग्रेजी में जब निबंध लिखते थे तो एक वाक्य मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि पॉवर्टी इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी विल, गरीबी हर समस्या की जड़ है। और आपकी स्ट्रीम को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ इस तरह से हम कहें कि अगर जिसने अर्थशास्त्र पढ़ा है वो सारी समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से समझता है। तो क्या आपको ऐसा लगा कि आप अपने करियर में आपने फील किया, चाहे एजुकेशन हो चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का गणित चीज़ों को देखने समझने में बहुत मदद करता है? डेफिनेटली ये काफ़ी एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहता है हम लोगों के काम में, क्योंकि मुझे लगता है एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है, अगर आपने किसी व्यक्ति को खुद अपने पैर पे खड़ा होने पर आपने हेल्प करी, कुछ सहयोग किया, वो एक बहुत बड़ा योगदान है। आपने लाइवलीहुड सेक्टर में कुछ काम किया जिससे लोगों की आय वृद्धि हो गई, या वो खुद अपने स्तर पर अपनी आय कमा रहे हैं, अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशन एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो सोच मेरे ख्याल से मेरे बैकग्राउंड के कारण ही मुझे ऐसा डेवलप हुआ है कि लोगों को उस तरह से सहायता करें कि वो आपके पास आने की उनको ज़रूरत ना पड़े। कई एस्पिरेंट्स जो अखिल भारतीय सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं रिजू, वो शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन मिडवे में लड़खड़ा जाते हैं। और मध्य प्रदेश के जितने भी युवा हैं या छत्तीसगढ़ जो हमारा पड़ोसी राज्य, एक फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने की एबिलिटी, थोड़ी सी मैं कमज़ोरी तो नहीं कहूँगा, प्रॉपर गाइडेंस शायद उनके पास नहीं है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो कई बार सोचते हैं कि दिल्ली की किसी बड़ी कोचिंग से सक्सेस मिल जाएगी, मध्य प्रदेश की बड़ी कोचिंग से मिल जाएगी, वो ज़रूरी है मैं मानता हूँ, लेकिन आपने क्या महसूस किया? हर व्यक्ति किरोड़ी मल से नहीं पढ़ सकता युवा, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नहीं हो सकता, कैसे एक साधारण बैकग्राउंड का, आपने तो इस चीज़ को बहुत समझा होगा, क्या क्या कहेंगे ऐसे युवाओं से आप? जितना मैंने इंटरेक्शन किया है अपने इतने करियर में, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का भी कोई भी बच्चा पीछे है किसी भी किसी अन्य स्टेट के, दिल्ली या कोई भी स्टेट ले ले हम, कोई ऐसा पीछे नहीं है। मेरे ख्याल से हमें बस थोड़ी कमी आ जाती है आत्मविश्वास में। हम लोग अगर, और अब तो काफ़ी पैरेलल, काफ़ी फ्लैट हो गई है दुनिया, आप YouTube इतना ज़्यादा, उससे भी एजुकेशन बढ़ रहा है, डिजिटल एजुकेशन का अब काफ़ी बढ़ाव हो गया है। ज़रूरत हमें अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए एक राइट सर्कल की है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हों जो UPSC की तैयारी कर रहे हों, 4-5 दोस्त भी मिल जाते हैं तो बहुत हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम करेंगे, हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं हिलने देंगे तो हम निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ अभी मैंने भी, मेरी जो पढ़ाई थी वो मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं था, मैंने अपना सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ अचीव किया है। तो अगर आप इंटरनेट का सही उपयोग करेंगे, सही अपने नोट्स बनाएंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड से आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। राइट सर्किल आपने कहा, तो ये क्या दोस्तों की तरफ आपका इशारा था? Definitely. कि पढ़ने वाला एक स्टडी ग्रुप हो लाइक माइंडेड लोगों का, जो एक ही कश्ती में सवार होकर एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली, मतलब आई बीन लकी, मेरे हमेशा इस तरह के फ्रेंड सर्कल मिल जाता था या कुछ
दोस्त मिल जाते थे जो उसी दिशा में, अगर वो एग्ज़ाम भी नहीं परस्यू कर रहे हैं लेकिन सोच उसी प्रकार की थी, तो उनसे बातचीत कर कर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। केवल हम सोचें कि हम 18 घंटे किताबें में जूझ कर हम एग्ज़ाम निकालेंगे, वो थोड़ा एटीट्यूड को हमें शिथिल करना चाहिए। हमें ज़रूरत है कि राइट सर्कल के साथ अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, अपने फ्रेंड्स अच्छे रखें, पेरेंट्स के साथ भी आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। न्यूज़ कई चैनल्स में अच्छा इंटरेक्शन भी रहता है, कई डिबेट्स आती हैं, कई इंटरनेशनल मीडिया में बहुत अच्छे डिबेट्स रहते हैं, उनको देखेंगे, समझेंगे, चीज़ों की डेप्थ में जाएंगे तो बिल्कुल ही हम क्लियर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टिप्स हमको मिली है, और मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में उन युवाओं से जो अखिल भारतीय सेवा में आना चाहते हैं कि आप एक इस तरह के सर्किल की तरफ जाइए, बल्कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बनाइए, फॉर्म कीजिए, झिझकिए मत, जो आपसे बेहतर हों, आपके पैरेलल हों या अनइवन भी हों, सब मिलिए, साथ में डिस्कशन करिए, जाइए, मिलिए, खूब डिस्कशन करिए, बात करिए, क्योंकि यही वो लेवल है जो आत्मविश्वास को मजबूत करता है। ये भी रिजू जी ने हमें बहुत की, मध्य प्रदेश कहीं पीछे नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ताकत बढ़ानी है अपने कॉन्फिडेंस लेवल में। कंक्लूड करूंगा इस सवाल से कि इंटरव्यू भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिनेरियो होता है, आप कैसे याद करती हैं अपने इंटरव्यू को, और किस तरह से कोई ऐसा सवाल भी आपको याद आता हो जिसमें इंटरव्यू बोर्ड को बहुत आपके जवाब से बड़ी प्रसन्नता हुई हो, या कोई ऐसा टफ सिनेरियो था जहां आप भी उलझती हुई अपने को महसूस कर रही थी? बहुत समय हो गया है उस इंटरव्यू को तो खास याद तो नहीं है, लेकिन बस ये याद ज़रूर है कि इतना कोई मुश्किल नहीं था। आई वॉज माई सेल्फ, उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे मोस्टली रिलेटेड टू माई बैकग्राउंड और जिसकी तैयारी मैंने करी थी। मैंने कोई मॉक इंटरव्यू भी नहीं किया था, मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू था, और आई वॉज जस्ट माई सेल्फ, और उन्होंने जो प्रश्न किए थे, जो मुझे आता था वो मैंने बता दिया, जो नहीं आता था वो मैंने कहा कि नहीं पता है। जी, जी, जी। तो और कोई ऐसा सेपरेट तैयारी भी नहीं की थी, तो जैसे थे वैसे ही इंटरव्यू देकर आ गए। वाह वाह वाह। लेकिन एक आपने यहाँ भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब आपने दे दिया बिना कोई उपदेश दिए, कि बस स्वयं में रहिए आप। देखिए ये बहुत स्पिरिचुअल बात भी है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए, किसी भी किस्म की आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियलिटी या डुअलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा, आगे आप अपना जीवन, बहुत शुभकामनाएं हमारी कि बहुत आप जैसा आगे बढ़ी हैं, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत सारे अनसीन चैलेंजेस लाइफ में रहते ही हैं, हम सबकी ज़िंदगी में रहते हैं और आपके जीवन में भी होते ही होंगे, लेकिन उन सब से निपटना ही हमारा काम है। आगे आप कैसे देखती हैं अपने करियर को? मेरा हर पोस्टिंग में यही रहता है कि मैं क्या नया सीख सकती हूँ और क्या नया कर सकती हूँ, तो होपफुली ऐसे और मौके मिलेंगे जहाँ पर हम कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे और कुछ नए एवेन्यूज़, कोई नई और स्ट्रीम, कोई और नई एरिया को जानेंगे, सीखेंगे कुछ और उसमें जो भी अपना पॉजिटिव योगदान है उस दिशा में कर पाएंगे। बहुत शुभकामनाएं रिजू जी, आपकी अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है और आगे आप बढ़ें। तो ये थी 2014 बैच की IAS ऑफिसर मध्य प्रदेश कैडर। अफसरनामा में अगली बार एक और अफसर के साथ मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।